दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के दोस्त और दुश्मनों के बारे में। वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ मकर राशियों की अच्छी पटती है, किन राशियों से मकर राशि के अच्छे दोस्त आते हैं और कौन वो राशियां हैं जिससे मकर राशि के दुश्मन आते हैं और जिनसे मकर राशि को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। हो सकता है आपको लगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे आप तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। तो दोस्तों मकर राशि के दोस्त और दुश्मनों को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि मकर राशि खुद में कैसी होती है, उसके गुण धर्म हैं क्या। दोस्तों मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यह जो है स्थिर ग्रह और पावरफुल ग्रह शनि द्वारा संचालित होती है। शनि जो हैं इसके मालिक हैं। मकर राशि वाले जातक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। आप लगातार अपने स्टेटस और सिचुएशन में सुधार करते रहते हैं और अपने जीवन को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं और किसी भी तरीके की मुसीबत से बाहर निकलने का जज्बा मकर राशि वालों में होता है और ये हमेशा से ही जुझारू लोग होते हैं। इनकी ज़िंदगी भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है, ऐसे मकर वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि मकर वालों की किन राशियों के साथ बनती है और किन के साथ बिल्कुल नहीं बनती है और किन राशियों से इनके दुश्मन आते हैं। तो दोस्तों मकर राशि की जो अनुकूलता है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो वृष कन्या, वृश्चिक और मीन के साथ होती है। और एक एक नज़र डाल लेते हैं कि क्यों होती है। दोस्तों अगर हम मकर और वृषभ की कंपैटिबिलिटी देखें तो इनके बीच की दोस्ती सोने से भी ज़्यादा कीमती है। आप और आपका दोस्त लॉयल और लविंग नेचर के होते हैं। जब भी आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो आप फ्यूचर गोल्स पर बात करना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातक आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे देते हैं और इनकी दोस्ती से हमेशा आपको बेनिफिट ही होता है। इसीलिए वृषभ राशि के लोग मकर वालों के अच्छे दोस्त जो हैं वो साबित होते हैं। अगर हम बात करें मकर और कन्या की, तो मकर और कन्या की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और काफ़ी स्थिर राशियां कहलाती हैं। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बनी रहती है। आप अपने दोस्त की स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको जॉब दिलवाने में भी हेल्प करते हैं और कोशिश भी करते हैं। कन्या राशि आपको अच्छा मेंटल सपोर्ट देती है और किसी भी काम के लिए कभी ये ना नहीं करते आपको। तो कन्या राशि वाले काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम देते हैं मकर को और काफ़ी अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अब देखते हैं मकर और वृश्चिक की कंपैटिबिलिटी। मकर और वृश्चिक की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। आप और आपका दोस्त एक दूसरे के पर्सनैलिटी और कैपेबिलिटी को बहुत सम्मान करता है। आप एक दूसरे की चुप्पी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और इसीलिए आपके बीच शब्दों का आदान प्रदान कम होता है और विचारों का ज़्यादा होता है। रिलेशंस को मैनेज करने की कला आप दोनों के बीच लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती का कारण बनती है और लंबी दोस्ती वृश्चिक के साथ मकर वाले की देखने को मिलती है। मकर की मकर राशि के साथ अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो आप दोनों साथ मिलकर के एक अच्छी टीम बनाते हो। आप और आपका दोस्त जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा आपका साथ देता है। मकर राशि में नेचुरली दूसरों की कैपेबिलिटी को जानने की प्रतिभा होती है और यही आपकी लंबी चलने वाली दोस्ती का राज भी है। तो मकर राशि के साथ काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। मकर की मीन राशि के साथ अगर कंपैटिबिलिटी देखें तो आप और आपका दोस्त एक दूसरे के पूरक हैं और बेहतरीन दोस्त बनते भी हैं। आप काफ़ी समझदार हैं और दूसरे को भी रेस्पॉन्सिबल बनने में सलाह देते हैं। जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आपका मीन राशि का दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा। मीन राशि के मित्रों के सामने आप अपने इमोशंस को बिना किसी दिक्कत के रख पाते हैं, इसीलिए मीन के साथ आपकी अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आपके दुश्मनों की। तो आपके जो दुश्मन राशियां हैं वो दो राशियां हैं, तुला और मेष। इन दो राशियों से आपकी नहीं बनती है। और क्यों नहीं बनती है वो आपको अभी बताता हूँ क्यों नहीं बनती और क्यों आपको सावधान रहना चाहिए, वो भी आप समझ लें। तो अगर मकर और तुला की कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो मकर और तुला राशि की लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है और यही कारण है कि आप उनके साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। तुला राशि वालों को कॉन्सेप्ट के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है।
मकर राशि वाले स्थिर मानसिकता के लोग होते हैं और तुला राशि के लोग हवा की तरह बदलते रहते हैं। तुला राशि के लोग आदर्शवादी होते हैं जबकि मकर राशि के लोग स्वभाव से रियलिस्टिक होते हैं। इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती और आगे चल करके ये लोग घोर शत्रु भी बन सकते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप मकर राशि से हैं तो नोटिस कीजिएगा कि जो आपके दुश्मन हैं, जिनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती या जिनके साथ आप जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, वो काफ़ी लोग आपको तुला राशि से मिलेंगे और मेष राशि से भी मिलेंगे। अब मकर और मेष की कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं, क्यों मेष वालों के साथ जो है मकर की नहीं बनती। तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए मेष और मकर, तो आप और मेष राशि के लोग कई मायनों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसीलिए मेष राशि वालों के साथ संबंध बनाए रखना आपके लिए चुनौती बन जाता है। मकर राशि के जातक काम एटीट्यूड वाले होते हैं, शांत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं मकर वाले, और मेष राशि वाले ज़्यादातर जो है समय गर्म और वायलेंट रहते हैं, हमेशा बस लड़ने को तैयार, जुझारू, आगे भागने को तैयार, इस तरह की चीज़ें रहते हैं। और इसीलिए जो है आपका जो विचार हैं वो मेष राशि वालों के साथ नहीं बनते हैं। आप अपने लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं और मेष राशि लाइफ को रेस की तरह देखती है, वो हमेशा जो है भागती है। दोनों के विचार और सोच अपोजिट होने की वजह से इन दोनों में शत्रुता बनी रहती है और यही वजह है कि मेष राशि के साथ जो है हमेशा आपका संघर्ष रहेगा, आपके साथ कंपटीशन रहेगा। ऑफिस में भी जो लोग आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा आपको लगता होगा कि आपके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपकी बॉस की चापलूसी कर रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं या अननेसेसरी जो है आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं आपके ऊपर में, तो आपको वो मेष राशि के ही लोग देखने को मिलेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सही बात है, आप इसको एवेल्यूट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि के बारे में, मकर राशि के बारे में, कि कौन सी राशि के जातक दोस्त हैं, कौन से दुश्मन और किससे आपको सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी और आपके काम भी आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।